सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जस्ट ऐसे ही हुआ कि मुझे बहुत मन था बर्गर खाने का, और सुबह पापा ने ब्रेड लाया था, तो आई वाज लाइक कि मुझे आज खाना ही खाना है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारे ही थे जो जो चाहिए था, बट सिर्फ मेयोनीज नहीं थे, और मेयोनीज के बिना बर्गर इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी रहता। सो यहाँ ऑलमोस्ट सब थे, और जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं आलू में, जैसे नॉर्मली आलू अपन लोग बनाते हैं ना टिक्किया बनाने के लिए, उसमें आमचूर डाला था मैंने जस्ट फॉर अ नाइस टेस्ट, और कैन से कि बाहर की तरह टिक्किया लगे, जैसे आलू टिक्की होते हैं वैसे। सो यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी डालना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने ये पनीर के स्लाइस किए थे, फिर कैप्सिकम के थे और अनियन थे, तो वो सारे मैंने सॉटे किए थे। नॉर्मली हल्का सा घी दे सकते हो उसमें वैसे तो, बाकी आप बिना ऑयल के भी अगर फ्राइंग पैन में कर रहे हो तो इजीली हो जाएगा, बट ऐसे मैं तवा पे कर रही थी तो मेरे को हल्का सा घी या ऑयल डालना था, बट मैं वो गाय की घी मतलब एकदम प्योर जो घर पे बनते हैं उसमें मैंने बनाए थे, जो कि सब जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो ये मैं पनीर सॉटे कर रही हूँ, फिर इसके बाद जितनी भी होंगी सब्ज़ी वगैरह जो डालना होगा वो आप सॉटे कर सकते हैं, और सैलेड, अगर सैलेड पत्ता होगा तो वो भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास तो था नहीं तो बस मैं इसी को सॉटे कर रही थी। सो जैसे कि मैं अपने बर्गर में आलू टिक्की डालूंगी, तो वो मैंने अच्छे से तवे पे रख के, जैसे आपने देखा गोल करके मैंने उसको अच्छे से रख दिया, तब तक वो होंगे, और यहाँ पे मैं बर्गर अपना रेडी करूंगी। तो ये मैंने हरा चटनी बनाया है जो कि नॉर्मली सबके घर पे ही बनता होगा। उसके बाद मैं मियो की रिंग बना कर डाल रही थी, और फिर मैंने यहाँ पर पनीर डाला, और फिर जाके आप जितना भी हो सकता है सैलेड पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। बाकी तो इसके ऊपर से अगर आप काला नमक दोगे तो वो ज़्यादा टेस्ट आएगा, जैसे कि मैंने दिखाया ब्लैक सॉल्ट। सो फिर मैंने यहाँ अनियन और कैप्सिकम रखने के बाद अपना ब्लैक सॉल्ट को अच्छे से वो कर दिया, फिर डबल डिप मतलब मेयो लगाने के बाद यहाँ सॉस दूसरे वाली साइड पर लगा रही हूँ, नॉर्मल टमाटो सॉस। सो इसको मैं ऐसे ऐसे रख के उसके बाद तवे पे अच्छे से उसको सेक दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मीन्स एक मिनट से भी कम। सो इट्स रेडी। सो गाइस बनाना आप भी, और कैसा लगे बताना। बाकी तो इट वाज सो मच डिलीशियस, हेल्दी है, बेस्ट है। सो मेरा यही ट्रायल रहता है कि मैं अपने चैनल में जितना हो सके आई कैन शेयर एंड कीप माई मेमोरी, ताकि मेमोरी रहे ये। सो मैं शेयर करती हूँ, सो इट्स इट वॉज जस्ट ऑसम, और ये वर्थ था मेरे लिए बनाना, एंड आई विश कि आप सबको भी अच्छा लगा। थैंक यू।